प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा यह कहना कि उत्तर प्रदेश में मात्र 3 शिक्षकों की ही कोरोना के चलते मौत हुई है, मथुरा जनपद के शिक्षक नेताओं को रास नहीं आ रहा है। इस संबंध में शिक्षक नेता राजेश कुमार शर्मा से नियो न्यूज द्वारा बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, शिक्षकों के लिए सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। कोरोना काल में मथुरा जनपद में भी कई तरह की व्यापदा आई हैं। इसके साथ ही यदि बात करें शिक्षकों की, तो सबसे ज़्यादा शिक्षक हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, वो उस बयान से हुए हैं जिसमें कहा गया है सरकार के एक अधिकारी द्वारा कि मात्र 3 शिक्षकों की ही मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। आज हमारे साथ मथुरा जनपद से शिक्षक नेता और एक संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार जी मौजूद हैं। इनसे आप बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से सरकार के एक अधिकारी ने दावा किया है कि मात्र 3 शिक्षक ही कोरोना काल के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या ये बात सही है? क्योंकि अब तक जो राजेश जी ने हमें आंकड़े उपलब्ध कराए उसके अनुसार 17 के आंकड़े हमें उपलब्ध करा चुके हैं, जिसके तहत ये बताया गया है कि कोरोना के चलते ऐसे शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। राजेश जी, आज सरकार ने जिस तरह का एक बयान दिया है वो आपने पढ़ा होगा, हमें भी सूचना तंत्र के माध्यम से आपको क्या कहना चाहेंगे? मैंने इससे पहले आपको अवगत कराया था 17, जिसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अध्यापक और लिपिक करके कर्मचारी थे। अब 17 से बढ़कर के संख्या 18 हो गई। एक हमारा शिक्षा में साथी और कोरोना की वजह से खत्म हो गया है। सरकार चाहे सत्य को स्वीकारे या न स्वीकारे, ये सत्य है कि पंचायत चुनाव के बाद ही हमारे जो कर्मचारी और शिक्षक खत्म हुए वो कोरोना की चपेट में आकर ही खत्म हुए। क्योंकि इससे पहले कभी, आप भी मथुरा में रहते हो, प्रदेश की भी जानकारी रखते हो, कभी इतनी संख्या में कभी मौतें हुई नहीं। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज की डेट में कल तक 1621 की संख्या थी, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने ट्विटर पर जानकारी दी। सभी और अधिकारी, शासन प्रशासन सबको अवगत करा रहे हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के किसी अधिकारी, किसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय या शिक्षा मंत्री महोदय ने एक शब्द भी शिक्षकों की संवेदना के प्रति आज तक नहीं कहा। जिस तरह से घोषणा की गई थी कि शिक्षकों को जो है मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे की राशि होगी, तो क्या जब ऐसे में सरकार ने कह दिया कि केवल 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि मथुरा में तो एक जाकिर साहब जो थे राया के, वो खंड अधिकारी थे आपके, शिक्षा वो चले गए, अन्य आपके पास डाटा है, तो कैसे मुआवजा आप ले पाएंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे संगठन? मुआवजा देना सरकार की प्राथमिकता थी, लेकिन बात मुआवजे से पहले तो सरकार उस बात को, सत्य को तो स्वीकारे कि कोरोना से मौत हुई है। इन्होंने क्वारंटीन टाइम कितना रखा है? 14 दिन का रखा है। तो क्या मौत कोरोना से साथ के साथ हो सकती है? भाई साथ के साथ मौत हो रही है दुर्घटना से, साथ के साथ मौत हो रही है हार्ट अटैक से। यदि कोरोना पॉजिटिव हुआ है व्यक्ति तो उसको टाइम लगता है। हमारे कर्मचारी, शिक्षक भाई ट्रेनिंग में हुए कुछ पॉजिटिव, कुछ चुनाव ड्यूटी में हुए, कुछ मतगणना में हुए, तो जैसे जैसे पॉजिटिव होते गए जैसे जैसे उनकी मृत्यु होती गई। लेकिन सरकार, सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार सत्य को नहीं स्वीकार रही है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि सत्य कभी छुपता नहीं है। यदि सरकार को ऐसा लग रहा है तो कोई एक पॉजिटिव लेकर आए, क्योंकि परिवार के जिसके बीती है उसको दुख होता है। तो मैं संगठन प्राथमिक शिक्षा संघ मथुरा का जिलाध्यक्ष होने के नाते अपील करना चाहता हूँ कि कोई जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो उसे लेकर के आए हमारे पास। यदि एक दिन में हम खत्म हो जाए तो हम सरकार सत्य बोली है मान लेंगे, और नहीं नितांत झूठ बोल रही है सरकार। जो भी आप इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, अब तक जो डाटा आपने इकट्ठा किया 18 लोगों को बता रहे हैं अब, तो क्या उनके कागजात पॉजिटिव के हैं, कोरोना का उनका इलाज चला है, इसको लेकर लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या न्यायालय जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा प्रांतीय नेतृत्व बरकरार लड़ाई तैयारी कर रहा है, उनका जो निर्देश मिलता है हम उसके हिसाब से, हमारे पास प्रत्येक अध्यापक की, शिक्षा मित्र की, अनुदेशक की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कोरोना की रिपोर्ट है, ड्यूटी पत्र है, कब एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कब उनकी डेथ हुई, डेथ सर्टिफिकेट है, उस डेथ सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा हुआ है कोरोना के चलते इनकी मौत हुई। तो वो सारे पेपर्स हैं हमारे पास, और सारे पेपर्स को लेकर के हम तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो हमें निर्देशन करेगा, हम उनके पास फाइल पहुँचाएंगे। अभी अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 6-7 दिन हो गए, मैंने आपको अवगत कराया था, तो मैंने एक उसमें एक पॉइंट लिखा था कि प्राथमिकता के आधार पर जिन कर्मचारियों के लिए निवेदन किया था मैंने, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनका वैक्सीनेशन करा दिया जाए। तो न श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने, ना ही CDO महोदय ने आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जहाँ पर जिसको गुरु मानते हैं शिक्षक को, यदि उसका सम्मान ना हो तो शायद उस देश का भविष्य
घट में जाता है। ये तो हमारे साथ राजेश जी जो कि शिक्षक नेता हैं, इसके साथ साथ जिलाध्यक्ष संगठन, उन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार ने जो है अपना बयान दिया है वो काफ़ी निंदनीय है। उनका कहना है कि हम शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही उन्होंने मांग की है कि जितने भी टीचर इस चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से शिक्षक संगठन और अपनी लड़ाई लड़ता है। लेकिन जिस तरह से जो बयान तीन शिक्षकों का आया है वो काफ़ी शिक्षकों की नज़र में निंदनीय है। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।